नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। खबर चंदेरी से है, जहां 21 अप्रैल 2021 को संतोष लालमणि जो सरेआम रिश्वत लेते वीडियो सामने आया था, जिसकी खबर भारत टीवी में 21 अप्रैल 2021 को लगाई गई थी, जिसकी कटिंग भी आला अधिकारी को भेजी गई थी, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी संतोष लालमणि पर कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। इस संबंध में 2 माह के बीच में वरिष्ठ अधिकारी SDM साहब से कई बार फोन पर चर्चा हुई। चर्चा में SDM महोदय द्वारा बताया जा रहा था कि अभी लॉकडाउन है, इसके बाद मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। साथ ही 26 जून को SDM महोदय से समय लेकर मिलने गए, SDM से इस संबंध में बात की तो बताया गया कि कार्यवाही प्रचलित है, लेकिन उनके द्वारा किसी भी लिखित कार्रवाई का कोई भी नोटिस या कोई कागजी कार्यवाही का कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संतोष लालमणि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसका वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलीभगत, या यूं कहें कि वरिष्ठ अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त होना जायज है।